3D प्रिंटिंग एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में है। यह टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित हो रही है एवं निकट भविष्य में इट विल डिस्ट्रप्ट ऑल फील्ड्स इट टचेस। वैसे तो 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशंस हर फील्ड्स में, बट लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फील्ड जहां पर इसका यूज बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। पहला है एरोस्पेस एंड डिफेंस। एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री सबसे पहले 3D प्रिंटिंग को एडॉप्ट करने वाली इंडस्ट्री है। एयरक्राफ्ट मेकिंग कंपनीज जैसे GE, एयरबस, बोइंग, सेफ्रॉन, GKN ने 3D प्रिंटिंग के पोटेंशियल को जाना और आज लगभग 20% तक एयरक्राफ्ट के पार्ट्स 3D प्रिंटिंग से तैयार किए जा रहे हैं, जैसे एयर डक, वॉल पैनल, स्ट्रक्चरल मेटल कंपोनेंट्स इत्यादि। सबसे बड़ा एडवांटेज 3D प्रिंटिंग एरोस्पेस इंडस्ट्री में प्रोवाइड करता है, दैट इज लो वॉल्यूम प्रोडक्शन, वेट रिडक्शन एंड मटेरियल एफिशिएंसी। 3D प्रिंटिंग का यूज रॉकेट बनाने में भी किया जा रहा है। दूसरा आता है ऑटोमोटिव एंड ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने तेजी से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट किया है और आंकड़ों के अनुसार 2019 में वर्ल्ड वाइड $1.4 बिलियन का व्यापार 3D प्रिंटिंग ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया है और यह आंकड़ा यहाँ से और तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑटोमोबाइल पार्ट प्रोडक्शन का यह आंकड़ा 2025 तक $5.8 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रोटोटाइप मेकिंग में भी 3D प्रिंटिंग का काफी यूज किया जा रहा है। प्रोटोटाइप की मदद से हम पार्ट्स को वैलिडेट एंड टेस्ट कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग हमें एक क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच देता है पार्ट्स को डिजाइन और प्रोड्यूस करने में। पोर्शे, BMW, ऑडी जैसी कंपनीज भी तेजी से 3D प्रिंटिंग को अडॉप्ट कर रही है। तीसरा आता है मेडिकल एंड डेंटल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री सबसे तेजी से 3D प्रिंटिंग अडॉप्ट करने वालों में से एक है और 97% डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि भविष्य में 3D प्रिंटिंग का बहुत अहम रोल मेडिकल फील्ड में होने वाला है। मेडिकल फील्ड में 3D प्रिंटिंग के ढेरों एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, चाहे वह बायो प्रिंटिंग हो जहाँ बायो मटेरियल का यूज करके रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट तैयार किया जा रहा है। 3D प्रिंटेड प्रोस्थेटिक्स आज हॉस्पिटल में काफी कॉमन है। 3D प्रिंटिंग से मेटल ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पेशेंट के शेप और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हाईली प्रिसाइज इम्प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं। बायो प्रिंटिंग के माध्यम से 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी बनाए जा रहे हैं। आज 3D प्रिंटिंग का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बड़े तौर पर यूज किया जा रहा है। 3D प्रिंटिंग का यूज करके पहली कमर्शियल बिल्डिंग 2017 में रशिया ने बनाई थी। आज कई सारे देशों में कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग का यूज करके चंद दिनों में कंप्लीट किया जा रहा है। चाइना ने एक पूरी कॉलोनी 3D प्रिंटिंग से बनाई है। रिसेंटली IIT मद्रास ने 3D प्रिंटेड हाउस तैयार किया है। इसका यूज करके हम हाई एक्यूरेसी के साथ फास्टर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी लेबर कॉस्ट और वेस्टेज। आने वाले समय में यह चीज बहुत आम होने वाली है और हो सकता है कि 2030 तक आप भी अपना घर इसी टेक्नोलॉजी से बनाएं। हियर कम्स द एजुकेशन। आज स्कूल्स एंड कॉलेजेस इस टेक्नोलॉजी को अपने सिलेबस और करिकुलम में ऐड कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को 3D प्रिंटिंग से यह मिलता है कि वह अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज स्टूडेंट्स बिना किसी टूल्स के अपने प्रोटोटाइप चुटकियों में तैयार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी वरदान साबित हुई है। नेक्स्ट है हम सबकी फेवरेट इंडस्ट्री, दैट इज फूड इंडस्ट्री। जी हाँ, फूड इंडस्ट्री में भी 3D प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। 3D प्रिंटिंग का यूज करके आप मनचाहे शेप में अपने फेवरेट डिश तैयार कर सकते हैं। करंटली पिज्जा, केक्स, चॉकलेट्स काफी कंट्रीज में इसी से कस्टमाइज्ड बनाए जा रहे हैं। 3D प्रिंटिंग का यूज करके हम कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसके अंदर विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। 3D प्रिंटिंग हमारा बहुत समय और ऊर्जा बचा लेता है। नेक्स्ट इज आर्ट्स एंड ज्वेलरी। आज ज्वेलरी मेकिंग में भी 3D प्रिंटिंग का जमकर यूज किया जा रहा है। ऐसे ऐसे क्रिटिकल डिजाइंस जिसे कन्वेंशनल तरीके से बनाना नामुमकिन था, वह चुटकियों में 3D प्रिंटिंग की सहायता से बनाए जा रहे हैं। 3D प्रिंटिंग ज्वेलरी मेकर्स को न्यू डिजाइन डेवलप करने के लिए इंस्पायर कर रही है। आज आर्ट्स एंड ज्वेलरी के फील्ड में विश्व भर में आर्टिस्ट इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अमेजिंग एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हियर कम्स द कंज्यूमर गुड्स। आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको अगर बने रहना है तो आपको रेगुलर अपने प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी बनाए रखना होगी। आज मार्केट डिमांड रेगुलर चेंज होती रहती है और कस्टमर प्रोडक्ट्स में न्यू फीचर्स की डिमांड करते रहते हैं। इस नीड को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके पूरा किया जा सकता है, जो एक कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर
टॉयज, स्पोर्ट्स वियर, जितने भी की प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी कंपनीज आज सभी 3D प्रिंटिंग का यूज कर रही है। एग्जाम्पल के लिए एडिडास एंड नाइकी अपने फुटवेयर के सोल 3D प्रिंटिंग से ही बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स एंड पैटर्न मेकिंग, इंडस्ट्री में मशीनिंग कंपोनेंट्स, टूलिंग इक्विपमेंट्स एंड अदर गुड्स बनाने में आज 3D प्रिंटिंग का यूज हो रहा है। पहले कंपनीज को मशीन ब्रेकडाउन होने पर कंपोनेंट बाहर से मंगवाना पड़ते थे, उसमें काफी समय तक आपको मशीन को बंद रखना पड़ता था, लेकिन आज इन हाउस विद इन सेम डे दे कैन मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट एंड मशीन को रनिंग कंडीशन में लाया जा सकता है। फाउंड्री इंडस्ट्री में पैटर्न मेकिंग एक बड़ा क्रिटिकल हुआ करता है, बट 3D प्रिंटिंग की सहायता से हम उचित टॉलरेंस के साथ पैटर्न इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल शॉप्स विद 3D प्रिंटर। आजकल लोग 3D प्रिंटिंग सीखने के बाद 3D प्रिंटिंग लेकर अपनी एक पूरी शॉप खोल लेते हैं, जहां पर कस्टमर अपनी STL फाइल लेके आता है और वो उसे कुछ ही समय में उसको प्रिंट करके एक्चुअल प्रोडक्ट के रूप में उसको दे देते हैं। नासा भी स्पेस के अंदर 3D प्रिंटिंग का यूज कर रहा है और वहां पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करता रहता है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में भी 3D प्रिंटिंग का विशेष इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने 3D प्रिंटिंग से गन और हथियार भी प्रिंट कर दिए थे, लेकिन भारत सरकार ने 3D प्रिंटिंग से हथियार बनाने पर बैन लगा दिया है। सो इन सभी एप्लीकेशंस को देखकर एक बात तो साफ है कि भविष्य 3D प्रिंटिंग का ही है और यह सीख कर एक अच्छी जॉब आसानी से पाई जा सकती है। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लगातार चाहिए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इफ यू वांट टू लर्न 3D प्रिंटिंग और आप 3D प्रिंटिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरा कोर्स यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट से फिनिश तक सीख सकते हैं। इस कोर्स को मैंने बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से डिजाइन किया है। हिंदी भाषा में यह एकमात्र कोर्स है जो आपको 3D प्रिंटिंग में एक्सपर्टीज देगा। इस कोर्स में हम डिजाइन ऑफ 3D मॉडल से स्टार्ट करते हुए फाइनल स्टेप यानी कि पोस्ट प्रोसेसिंग तक हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। कोर्स में कवर किए हुए टॉपिक्स की ज्यादा जानकारी के लिए आप लिंक के माध्यम से कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस कोर्स में मोर देन 50 लेक्चर्स हैं, जिसके माध्यम से मैंने अपना 5+ ईयर्स का 3D प्रिंटिंग सिखाने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। वीडियो के साथ साथ हर सेक्शन के बाद क्विज एंड असाइनमेंट दिए हैं जो आपकी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करेगी। मेरा मिशन इच स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन कम से कम कीमत में पहुंचाना है, इसीलिए इस कोर्स की कीमत मात्र 299 रुपीज रखी गई है, जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप वेरीफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप अपने लिंक्डइन और वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। दिस नॉलेज एंड सर्टिफिकेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर CV एंड जॉब इंटरव्यूज। आफ्टर एनरोलिंग द कोर्स आपको एक्साइटिंग कैश बैक भी मिलेंगे, जिनका उपयोग आप नेक्स्ट कोर्स में इनरोल करने में कर सकते हैं। साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग की 2 ई-बुक्स यानी कि 2 ई-बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिनके मार्केट कॉस्ट अराउंड 7,000 रुपीज से ज्यादा है। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या मेंशन ईमेल पर मेल कर सकते हैं। यह कोर्स 3 डेज की मनी बैक गारंटी के अंदर आता है। आफ्टर परचेसिंग ऑफ कोर्स एट एनी इंस्टेंट अगर आपको लगता है कि कोर्स वर्थ नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इनसाइड द कोर्स। थैंक यू।